सुबह 7 बजे से लगातार अपने चैनल एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप, जहां तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन 93 सीटों में से रिजर्व सीटें 21 हैं, कुल 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। 1331 उम्मीदवार हैं और वोटर्स की संख्या 17,24,00,000, जो 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और इस बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, पहले 3 घंटे की वोटिंग पूरी हो गई है, 10 बज रहे हैं और पहले 3 घंटे की वोटिंग पूरी हो गई है। तीसरे दौर का मतदान, पहले 3 घंटे की वोटिंग पूरी, सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ गया है। ओवरऑल आंकड़ा 11% वोटिंग का सुबह 9 बजे तक इन 93 सीटों पर, और इसमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हो रही है तो वो राज्य हर बार की तरह इस बार भी पूर्वी भारत का पश्चिम बंगाल बना हुआ है। 16% वोटिंग हुई। और इस बीच बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सुले क्या कह रही है, जरा सुनाते हैं। पहले एक मिनट, दोन प्रश्न विचारता है, दोन लोग वेल्ला नाम का तालुका इस निर्वाचन क्षेत्र में है, उसके वीडियो पे टाइमिंग भी लिखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है अभी कि आप जब वीडियो या फोटो लेते हैं और अगर 1 साल नहीं 5 साल के बाद भी वो मेमोरीज में आ जाता है और बोलता है कि अरे मेमोरीज 5 years ago, और उस पर टाइम भी आता है। तो मेरे देखने में भी आया है, 3-4 घटना हुई है। कल रात को वेल्ला में PDCC बैंक खुली हुई थी, पहला मुद्दा। दूसरा, भोर में बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई, ऐसा वीडियो घूम रहे। और तीसरा, बारामती में भी कई जगहों में ऐसी खबरें आ रही है, तो बारामती भोर बहुत सारी जगहों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। जो जो मुझे फोन करके बोल रहा है, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कह रही है कि आप पुलिस थाने जाइए, ये देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ जो भी आपको गलत होता दिखे वो पुलिस स्टेशन में हम सब ने जाके उसको ये सब घटनाएं घट रही है, आप ही की तरफ से हो रही है, आप ही के कोई लोग हैं जो ऐसी प्रकार की। देखो, देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन, वीडियो और पुलिस थाना, उन पे थोड़ी सा हम विश्वास रख सकते हैं। साइबन जी तबियत कैसी है? एवढा विचार करत नाही, माझा भारतातल्या संविधानावर प्रचंड प्रेम आहे आणि महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या मायमाप जनतेवर माझा प्रचंड विश्वास आहे। सफर की सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई लड़ती हुई सुप्रिया सुले इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी तक जो भाई, जो अजीत दादा चुनाव की कमान संभालता था बहन सुप्रिया सुले के लिए, वही इस बार दूसरे पाले में खड़ा हुआ सामने नजर आ रहा है। और सुप्रिया सुले के सामने उन्होंने, मतलब अजीत पवार ने, अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतारा है। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक आम मतदाता की तरह वोट डालने के लिए पहुंचे उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। गांधीनगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां के वोटर मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस सीट से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से अमित शाह, और नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए आज सुबह सुबह 7:30 बजे पहुंच गए थे पोलिंग बूथ पर। उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले वोट डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मतदान के बाद वो स्याही लगी उंगली निशान कैमरों को दिखाते हुए लोगों को प्रेरणा देते हुए, इसके बाद वहां जो लोग मौजूद थे, सुबह 6-6 बजे से लोग पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जो छात्र छात्राएं पहुंची थी, बच्चे पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्केचेस बनाकर, पेंटिंग बनाकर, ड्रॉइंग लेकर उन सब पर अपने ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह की आप देख रहे हैं। कैसे वहां पर बुजुर्ग महिलाएं जो मौजूद थी उनसे भी मुलाकात की, जो छोटे बच्चे मौजूद थे, एक बहुत नन्हा सा बच्चा मौजूद था, उसका दुलार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पोरबंदर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनसुख मांडविया है, तो अब की बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार जब मैंने पोरबंदर लोकसभा सीट के लिए कैंपेन किया
गुजरात में कई सीटों पर मेरा प्रवास हुआ और जनता का विश्वास मैंने देखा, प्रधानमंत्री जी की प्रति जनता की श्रद्धा मुझे मैंने देखी। उसके आधार पर मैं इतना कह पाऊँगा कि गुजरात में 26 में से 25 सीट पर चुनाव है, एक निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने जीतती है। तो 26 में से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश में 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी को सीट आएगी और 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मनसुख जी, ये जो कैंडिडेचर की बात होती है, आपको पता है जब आप आए तो मैं पूरा गांव आपका घूम चुका था। ये लोगों में बहुत बड़ा सवाल है कि आप यहाँ के वोटर हैं लेकिन चुनाव जो है आप वो पोरबंदर से लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? चुनाव तो कहाँ से भी लड़ सकते हैं। मोदी जी के दृष्टि से सारा देश एक परिवार है और परिवार भाव से कोई क्षेत्र और कोई विस्तार मायना नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ से मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया तो गुजरात में सभी सीट हमारे लिए समान है। जहाँ से भी पार्टी का आदेश होता है वहाँ हम चुनाव लड़ते हैं। पोरबंदर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं बहुत भारी लीड से पोरबंदर लोकसभा सीट जीतूंगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? मोदी जी के नाम पे जो भी कहे उससे कोई सवाल का जवाब का कोई विषय ही नहीं है। मोदी जी हमारा नेता है, हमारा नेतृत्व है, नहीं केवल देश के लिए, ये दुनिया के लिए गौरव है। तो ऐसे व्यक्तित्व उसका नाम लेना और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना कोई गलत बात है क्या? लगातार 13 के उपचुनाव से ये पोरबंदर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोटवालिया भी अब पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद पोरबंदर की ये जो लड़ाई है वो बीजेपी के लिए और मनसुख मांडविया के लिए और आसान होती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात में कुल 25 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, क्योंकि वो एक सीट सूरत वाली वो पहले ही निर्विरोध वहां से मुकेश दलाल बीजेपी के उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्या बड़े क्या बुजुर्ग। राजकोट से हमारी सहयोगी मेघा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पोलिंग बूथ से। लोकसभा के महापर्व में आज तीसरे चरण की वोटिंग है और आप देखिए लोग वोट करके बाहर आ रहे हैं, अपनी शाही का निशान दिखा रहे हैं। सर आप भी दिखाइए, मैम जरा दिखाइए, तो देखिए किस तरीके से चेहरे पर वो खुशी है अपने मत का प्रयोग करने का। उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश उपाध्याय। आपने अपने मत का प्रयोग किया है, कैसा लग रहा है? ये महान पर्व पर हमने अपना अच्छा उपयोग किया, पहला मत डाल दिया, वो सनातन के लिए हम बहुत प्यासी है, इसलिए हमने राम के भविष्य का देखकर सब कुछ अच्छा लगे, सब राम राज्य हो जाए ऐसा सोचकर वो वोट दिया है। अच्छा, आपने भी सर वोट डाला, जरा शाही का निशान दिखा दीजिए इधर कैमरे को, तो जरा देखिए सब वोट डालकर आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? सभी हमारे गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, हर साल बदलते रहते हैं सरकार, मतलब 5 साल में बदलती है तो सही है, मगर 6 महीने में 1 साल में बदल देती है। ए मैम, क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है मत का प्रयोग कर कर? जी बहुत अच्छा, हम लोग सालों साल कर रहे और बरखा तुम तो बोलो कुछ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये दूसरी बार है तो मैंने देश में नागरिक होकर मैंने देश को मत दिया। यहाँ देखिए तमाम लोग हैं अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपनी बेटी कोई बुजुर्ग माता पिता के साथ, और अपने मत का प्रयोग करके यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, यहाँ पर निकल रहे और चेहरे पे वो खुशी है कि उन्होंने भारत के नागरिक होने का फर्ज निभाया है, वोट डाला है। तो आप भी वोट करने जरूर जाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज गुजरात। गुजरात के राजकोट से मेघा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए गुजरात का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है, सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग गुजरात में हुई है और इस बीच ये मतदाताओं का उत्साह दिखाती कुछ तस्वीरें आपके सामने है। बुजुर्ग मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं, कोई सहारा लेकर पहुंच रहा है, कोई व्हील चेयर पर बैठकर पहुंच रहा है, कोई वॉकर के जरिए पहुंच रहा है। बुजुर्गों का जोश हाई है आज वोटिंग वाले दिन। मुस्लिम वोटर्स को आप देख रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही हैं वोट डालने के लिए। दिव्यांग जो हैं वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स का जोश भी जबरदस्त तरीके से हाई है और महिला मतदाता देखिए आप किस तरीके से देश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर मतदान करती हुई लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव की तरह मनाती हुई नजर आ रही है। आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है और आपने अभी तक वोट नहीं डाला तो वोट जरूर डालिए।
मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भोपाल में जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर बाकायदा लकी ड्रॉ रखा गया है। फ्रिज, टीवी जैसे गिफ्ट्स भी इस लकी ड्रॉ के जरिए निकल सकते हैं। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। 1,77,00,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे और हम भोपाल में मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरह से भोपाल कलेक्टर द्वारा लकी ड्रॉ में भाग लेने के लिए बम्पर जो इनाम की घोषणा की थी वो बम्पर इनाम मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। ये तमाम मतदान जो लकी ड्रॉ में जो इनाम है वो आपके सामने है, जैसे फ्रिज है, कूलर है और जिस तरह से अंगूठी है और ये बैग है। तमाम जो बताए गए थे लकी ड्रॉ में वो तमाम यहाँ पर उपहार रखे हुए हैं और बताया जा रहा है कि हर 3 घंटे में ये उपहार दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं कर्नाटक में। 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान आज पूरा हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। पिछली बार खुद गुलबर्गा से चुनाव लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन हार गए थे। इस बार उनके दामाद जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने के लिए आज पहुंचे हैं। मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं पर वोट डालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। पोलिंग बूथ के भीतर अपनी पर्ची दिखाकर, वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवाकर, उंगली पर स्याही का निशान लगवाकर अब ईवीएम के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। तो मतदान का अधिकार जो संविधान आपको देता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप वोट डालते हुए देख रहे हैं। गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। No, that won't work now if I tell. Today he is voting. What benefit I will get by telling and criticizing? Today only I appeal to everybody go and vote, and whomsoever they want, they vote. But only thing is that I told you. What mistake they did earlier, they don't want to do it now. And तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं वोट डाल दिया है, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वो भी वही अपील लोगों से करते हुए कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला तो वोट जरूर दीजिए। उत्तर प्रदेश से एफआई में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव और साथ में पत्नी डिंपल यादव भी हैं। मैनपुरी से खुद उम्मीदवार डिंपल यादव ही हैं और ये परिवार का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी का इलाका, जहां पर लगातार 1996 से खुद मुलायम सिंह यादव जीतते आए और उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ 2022 में उसमें डिंपल यादव ने सीट से जीत दर्ज की। भारतीय पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो परिवार की सियासी विरासत है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैनपुरी सीट से डिंपल यादव मैनपुरी सीट से और फिलहाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आपके सामने हैं कि पोलिंग बूथ जहां पर पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डालने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अच्छा, ये तीसरे चरण का जो रण हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं उसमें यादव परिवार की जो साख है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अग्नि परीक्षा न सिर्फ इस मैनपुरी वाली सीट पर बल्कि बदायूं से लेकर फिरोजाबाद तक जहां पर यादव परिवार के सदस्य ही चुनाव मैदान में है। फिलहाल इस मैनपुरी सीट का सियासी समीकरण जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, मैनपुरी का रण भी काफी दिलचस्प है और क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है और लगातार वहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, लेकिन अब डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। मैनपुरी की ये कड़ी टक्कर एसपी और बीजेपी जयवीर सिंह ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान। चिराग पासवान खगड़िया पहुंचे वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद क्या कह रहे हैं चिराग पासवान जरा सुनाते। और ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि निकलें और इस महापर्व में अपना योगदान दें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि बाहर निकलें और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि मत प्रतिशत भी ज़्यादा बढ़ेगा पिछली बार से ज़्यादा और हर कोई अपना अपना योगदान इस महापर्व में देगा। तो यहां सर
नेता बनकर आए हैं या बेटा बनकर आए हैं? आपका गढ़ है, आपका घर भी है। बेटा बनकर आया हूँ, यहाँ पर हर किसी से परिचय है, हर कोई हमारे रिश्ते में है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बेटा, भाई, भतीजा बनकर आया हूँ। बार अपना कैंडिडेट बदला है एलजेपी का और यहाँ पर कड़ी चुनौती समझी जा रही है, बतौर वोटर आप चूंकि यहाँ के अभी वोटर बनकर आए हैं खगड़िया में, क्या इस बार मुकाबला किस तरीके से दिलचस्प और क्या उम्मीद करेंगे आप? अच्छा रहेगा परिणाम। कई समस्याएं जो है यहाँ पर लोग बता रहे हैं, चुनाव को लेकर समस्या है, 40 में 40 वो स्थानीय लोगों से नहीं मिलता, उनको हमेशा शिकायत रहता है कि यहाँ के एमपी कभी नहीं आते हमारे पास। इस बार शायद ये शिकायत नहीं रहेगी, बिजली की परेशानी को दूर की जाएगी। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त चिराग वोट देकर निकल राजेश इधर आके मिलते हैं। चिराग, आप यहाँ के वोटर हैं और इसके अलावा इस बार किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं? और ये देखिए तमाम जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, ये यहाँ के कैंडिडेट है राजेश वर्मा, एलजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एलजेपी ने भरोसा जताया है और साथ में एलजेपी का जो दारोमदार जिनके ऊपर है चिराग पासवान, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। राजेश जी वोट डालने के बाद निकल गए हैं, लोगों से अपील करते हुए वोट जरूर दीजिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप वोट डालने के बाद, अखिलेश यादव, डिंपल यादव पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं, मीडिया का वहां पर जमावड़ा और बाहर आने के बाद क्या मीडिया से बात करेंगे, कुछ कहेंगे, इसी का इंतजार है। मैनपुरी से आप जानते हैं डिंपल यादव जी इस बार समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, वोट डाल दिया अखिलेश यादव ने, पत्नी के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर की ओर आते हुए अखिलेश यादव को आग देख रहे हैं। तो कुछ फासले पर आकर क्या मीडिया से बात करेंगे, जो नियम होता है कि 100 मीटर की दूरी जरूरी होती है, अगर आपको मीडिया से बात करनी है पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, उसी के अनुरूप यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फासले पर जाकर मीडिया से हो सकता है कुछ बात करें अखिलेश यादव। वैसे आज के दिन अमूमन नेता जो है वो वोट डालने के बाद लोगों से अपील एक ही करते हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए, शिरकत कीजिए, तो इसी की कोई अपील अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी क्या, इसका हमें इंतजार है। फिलहाल मैनपुरी की ये लड़ाई जहां पर परिवार की सियासी विरासत आगे बढ़ाने के लिए बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में, ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये मैनपुरी सीट उपचुनाव में यहीं से सांसद चुनी गई डिंपल यादव, और अब एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने डिंपल यादव को ही चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी यहीं मौजूद हैं, जरा लेकर चलते हैं आपको संजय त्रिपाठी के पास और जानते हैं संजय वोट डाल दिया अखिलेश यादव डिंपल यादव ने, मीडिया से बात करेंगे क्या? अच्छा बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम है, ठीक है संजय। मतदान केंद्र से जो मीडिया के लोग हैं उनको मैं अपना वोटर आई कार्ड दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मतदान करने के बाद उन्हीं पर लगी कड़ी भी दिखा रहे हैं, उनके साथ डिंपल यादव मौजूद है और परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। अभी जो अखिलेश यादव ने घर के परिवार के सदस्यों के साथ में निकल करके उसके बाद सदस्यों के साथ में निकल करके मतदान करके आए, उसके बाद बाहर निकलते हुए उनका कुछ अधिकारियों से कहा सुनी भी हुई, ऐसी जानकारी मिलती है कि कुछ लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा ऐसी शिकायत थी, जिसके बाद में अखिलेश यादव ने वहां मौजूद अफसरों से बात भी की है और उनसे कहा कि किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। तो अभी अखिलेश यादव मतदान करके आए हैं, उनके परिवार के कई सारे सदस्य भी आए हैं और इस वक्त अखिलेश मीडिया से अपनी बात कहने के लिए बैठे हुए हैं, यहां कई सारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो रुमाना मैं कहूंगा ये अखिलेश यादव इस वक्त बोल रहे हैं, हमें उनको सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। ऑडियो चेक करवा रहे हैं अभी अखिलेश यादव जो हैं, आवाज नहीं आ पा रही है माइक में, देखिए वोट डाल दिया अखिलेश यादव ने, साथ में पत्नी डिंपल यादव नजर आ रही है। और जैसा कि संजय हमें बता रहे थे हाथ में वोटर आई कार्ड है, वो स्याही लगी उंगली का निशान भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिखाया है और पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए कुछ अधिकारियों से जो पोलिंग बूथ कर्मी थे उनसे कुछ कहा सुनी हुई है अखिलेश की, सुनते हैं। साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं,
बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने, तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है ये एक महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं और अब गारंटी लेकर के आए हैं, ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला धोखा झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में ना नौकरी है ना रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए। महंगाई चरम सीमा पर है, हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले रहे हैं वो, और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है, 2014 में कोई चीज़ किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। ये सब मुनाफा ज़्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है, और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है, और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 × 3 1,80,00,000, 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज़्यादा, और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को, गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था। पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं, और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं।
देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है, समाज में जो भी जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है, सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या MSP पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की MSP पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को MSP नहीं दे पाई, और 1000 से ज़्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से BJP की सरकार आई है, 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 1,00,000। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले अभी तो फौज की नौकरी हुई है, 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी BJP वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं। लालू प्रसाद यादव, जहां तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, उसी दौरान लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, मुसलमानों को भी आरक्षण मिले, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, सुनिए। पार हो गए कल सर, अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर NDA की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे, डर डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बता रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, OBC का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, थोड़ा इसको निभाया है। और मुझे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 2 घंटे में काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से आज देश भर में जहां जहां चुनाव चल रहा है, सबसे विनम्र अनुरोध है, गर्मी है लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व हमने अछूत नहीं रहना चाहिए। बड़े उत्साह उमंग के साथ, परिवार के साथ, गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए जाना चाहिए, भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना
किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा, और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है माताओं बहनों को घर के सारे काम 12 एक बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इन्हीं में से एक संबल सीट है। 2019 में सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संबल से जियाउर रहमान पर पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे हैं जियाउर रहमान पर, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा किया है। शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क के जो दादा हैं वो यहां से एमपी थे, उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में पुलिस के साथ धक्का मुक्की, समाजवादी पार्टी के ये नेता कार्यकर्ता खुद मौजूद, जियाउर रहमान बर्क जो आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की का। और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वोट डाल दिया है उन्होंने, कह रहे हैं कि चुनाव आरक्षण और संविधान बचाने के लिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस वक्त मतदान करके, प्रोफेसर क्या लगता है इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर? अभी आप वोट खास कर भैया क्या कर रहे हैं यार आप? संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता तो हम 10 साल से बहुमत में थे, हम कभी भी संविधान बदल सकते। ऐसा सत्ता धीरे धीरे आदमी के दिमाग को जो है दूसरी तरफ ले जाती है, अब बसी हो गई। मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को दे दिया जाए, कर्नाटक का एग्जाम्पल देते हैं भाई। अरे ये तो ऐसा है चुनाव के वक्त किस तरह की, ये तो हमेशा ही ऐसी झूठ बोलते हैं, सही कब बोले ये लोग।